नगर निगम का पशु पकड़ो काफी तेज होता नजर आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं हरियाणा पुलिस जो है काफी संख्या के अंदर इस वक्त पटेल नगर के अंदर पहुंच चुकी है। इस वक्त हम सेक्टर 15 के अंदर मौजूद है जहां पर काफी ज्यादा जो है वो संख्या के अंदर गाय पकड़ी गई है। आप लोग देख सकते हैं गाय पकड़ के पेड़ों के बांध दी गई है, एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी संख्या के अंदर। और वहीं आप लोग देख सकते हैं कि लगातार जो है नगर निगम की टीम भी यहां पर पहुंचती जा रही है। और तस्वीरों के अंदर आपको दिखाना चाहेंगे कि जितनी भी गाय है वो यहां से पकड़ करके गौशाला के अंदर छोड़ने की बातें कही जा रही है। वहीं अगर कल की बात की जाए तो कल जितने भी पशुपालक है उन्होंने मीटिंग की थी और मीटिंग करने के बाद ये फैसला लिया कि जितनी भी गाय है अगर उन्हें नहीं छोड़ा जाता है तो उसके बाद नंडूर गौशाला को ताला लगा दिया जाएगा। इस वक्त हम आपको लेकर जा रहे हैं बिल्कुल उसी जगह के ऊपर जहां पर नगर निगम का पशु पकड़ो अभियान इस वक्त तेज हो चुका है। आपको बता देते हैं, ये देख लीजिए नंदी आगे आगे है और पीछे जो है गाय पकड़ी जा रही है। और ये देखिए आपको सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हिसार के पटेल नगर से जहाँ पर ये पशु पकड़ो अभियान तेज हो चुका है और इस गाय को पकड़ा जा रहा है। ये गाय जो है बार बार छोड़ने के लिए छूटने के लिए प्रयास कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी ये गाय नहीं छूट पा रही है क्योंकि इसे इस वक्त इसे पोल से बांधा जा रहा है, जहाँ खंभे से बांधा जा रहा है जहाँ पर लाइट लगी हुई है। और इस गाय को पकड़ करके नगर निगम जो अपना पशु पकड़ो अभियान है उसे तेज करता हुआ नजर आ रहा है। रस्सियां आप लोग देख सकते हैं, बकायदा रस्सियां लगा करके इनको ले जाने की कोशिशें की जा रही है। लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं हिसार के पटेल नगर से जहां पर ये गाय बार बार अपने आप को छुड़वाने का प्रयास कर रही है और शायद हो सकता है किसी को भी ये टक्कर मार दे। अरे खैर, अगर अब की बात की जाए तो इस वक्त हम पटेल नगर से थोड़ा सा आगे कैमरी रोड के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां पर आप ये सीधा लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। और जिस तरीके से इन पशुओं को बांधा जा रहा है रोड के बीचों बीच, कहीं ना कहीं ये पशुओं के साथ क्रूरता की जा रही है। ये देख लीजिए किस तरीके से पशु जो है वो इधर से उधर होते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नगर निगम की टीम इन्हें रस्सियों से बांध करके एक जगह के ऊपर छोड़ करके जा रही है। काफी पीछे भी आपने देखा कि लाइट वाले जो ये खंभे हैं इनके नीचे ये पशु बांध दिए गए हैं। अगर हो सकता है यहाँ से कोई भी बिजली का करंट आता है तो इनकी मृत्यु भी हो सकती है। वहीं लगातार आपको दिखा रहे हैं पशु पकड़ो अभियान किस तरीके से नगर निगम का तेज होता जा रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए क्योंकि जो ये आप पशु पकड़ो अभियान इस वक्त देख पा रहे हैं ये रोजाना जो है इसी तरीके से चलेगा, जिसकी वजह से काफी लोग खफा है तो काफी लोग जो है खुश भी है कि हिसार की सड़कों के ऊपर एक्सीडेंट काफी ज्यादा हुआ करते थे जिसकी वजह से कुछ लोग इन्हें आवारा पशु कहते थे तो कुछ लोग इन्हें बेसहारा पशु कहते थे। हालांकि अगर बात की जाए सहारे की तो आपको बता देते कि सहारा जो है वो कहीं ना कहीं पशुपालक ही इनको नहीं देते हैं। और ये देख लीजिए ये वही गाड़ी है जिसके अंदर काफी संख्या के अंदर पशु पकड़ करके ले जाए जाते हैं और इस वक्त नगर निगम की टीम ये अभियान तेज करते हुए नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये देख लीजिए इस वक्त हम बिल्कुल पटेल नगर से थोड़ा सा साइड के अंदर सेक्टर 15 और पटेल नगर के बीचों बीच मौजूद है जहां पर बिल्कुल जो भी गाय दिखाई दे रही है सड़कों के बीचों बीच उन सबको उसी जगह पकड़ करके रस्सियों से बांधा जा रहा है। और ये देख लीजिए एक और गाय यहाँ पर मिल चुकी है और इसको भी इस वक्त बांधा जा रहा है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा है क्या इससे हिसार के लोगों को कहीं ना कहीं जो है प्रॉफिट होगा? और ये देख लीजिए पीछे जो है पुलिस की गाड़ी भी बकायदा साथ चल रही है ताकि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो जो है सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। अगर कोई भी पशुपालक आ जाता है या फिर जिसकी ये गाय है जिसने दिन के अंदर छोड़ दिया इसको चारा चरने के लिए वो आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कंट्रोल पाया जा सके। और आप लोग देख सकते हैं जितनी भी गायें हैं वो इधर से उधर होती हुई नजर आ रही हैं लेकिन अगर अभी की बात की है तो नगर निगम का पशु पकड़ो अभियान लगातार तेज हो रहा है और जितनी भी गायें हैं अगर वहां पर कुछ भी बांधने के लिए नहीं है तो इन गायों को रस्सी बांध करके इनको अपनी गाड़ी के पीछे दौड़ाया जा रहा है जो लगातार आप तस्वीरों के अंदर भी देख पा रहे होंगे क्योंकि इन्हें उस जगह तक पहुंचाया जा रहा है जिस जगह इन्हें बांधा जा सके। ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिसार के पटेल नगर और सेक्टर 15 के बीचों बीच हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जहां पर पशु पकड़ो अभियान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ये देख लीजिए पशु जो है
आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसे चला भी नहीं जा रहा है, और लेकिन उसके बावजूद भी इसे अपने साथ बांध करके ले जाया जा रहा है। और शायद हो सकता है कि और भी गाय यहाँ पर नजर आ गई हो, और ये देख लीजिए दो गाय और यहाँ पर नजर आई हैं जिन्हें रस्सी डाल करके बांधने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए किस तरीके से इनके ऊपर रस्सी डाली गई और इनके गले के अंदर फंदा डाल करके इन्हें पकड़ने की कोशिशें की जा रही है। ये देख लीजिए इनके पास जो रस्सी है उसके आगे पहले से एक नोट बंधी हुई है जिसके अंदर जो भी गाय है उसका सिर जो है वो फंसाया जाता है, जिसकी वजह से जो ये गाय है उन्हें पकड़ा जा सके। और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इस वक्त आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल पटेल नगर से थोड़ा सा पहले जो है ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। और देखिए इस गाय को पकड़ करके इसे खंभे से बांधा जा रहा है, और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा हाई एक्सटेंशन तारे इन खंभों के ऊपर लटक रही हैं। अगर इनमें से एक भी तार जो है इस पशु के ऊपर गिर जाती है तो शायद हो सकता है कि पशु पकड़ो अभियान जो है वो कहीं ना नकारात्मक होता नजर आए। लेकिन इस वक्त आप लोग देख सकते हैं जो ये रस्सी है इसको 2 से 3 बार लपेट लिया गया है गोल गोल आकार के अंदर, और उसके बाद जो भी गाय है उसे पकड़ा जा रहा है। हो सकता है कि जो स्टे कैटल फ्री का नारा नगर निगम पिछले 5 सालों से दे रहे हैं वो अब सार्थक होता हुआ नजर आए। गाड़ी यहां पर पहुंच चुकी है नगर निगम की, लगातार गली गली के अंदर पहुंच करके नगर निगम की टीम इन पशुओं के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछले काफी समय से लोग कह रहे थे कि उनका एक्सीडेंट यहां पर हो रहा है। और ये देख लीजिए एहतियात के तौर के ऊपर हमें भी थोड़ा जो है सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपको खबर दिखाने के चलते कहीं हमारे ऊपर ही ये पशु जो है वो अटैक ना कर दे, जिसकी वजह से पशु पकड़ो अभियान लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। और लाइव तस्वीरों के अंदर हम आपको पल टू पल की खबर देते जा रहे हैं। पहले दिन जो है पड़ाव चौक के अंदर ये अभियान चलाया गया, दूसरे दिन अर्बन स्टेट के अंदर मॉडल टाउन के अंदर ये अभियान चलाए गए, और आज तीसरे दिन ये अभियान कैंप चौक, कैमरी रोड, पटेल नगर, हाउसिंग बोर्ड इस जगह चलाया जा रहा है। और आपको दिखाना चाहेंगे ये देख लीजिए जितनी भी गाय है वो यहाँ से पकड़ते हुए नगर निगम की टीम पुलिस के साथ साथ पीछे होती जा रही है। और आज शायद कोई ऐसी भी खबर आई थी कि पटेल नगर के अंदर कोई नगर निगम का कर्मचारी पशु पकड़ो अभियान के तहत घायल भी हो गया था, जिसके बाद से ही एम्बुलेंस जो है वो भी साथ साथ चल रही है। और ये देख लीजिए बिजली के खंभे के ऊपर इसको बांध दिया गया है, के साथ जो है इसको बांध दिया गया है, और जितने भी पशु हैं उनको अलग अलग जगह के ऊपर बांधा जा रहा है। और बांधने के साथ साथ जो है इनको इकट्ठे एक बार जो है गाड़ी के अंदर ले जाया जाएगा, इनको लोड किया जाएगा अलग अलग जगहों से, और उसके बाद इनको गौशाला के अंदर छोड़ दिया जाएगा जहाँ पर पशुपालक इन्हें अपने पशु छुड़वा करके ले जा सकते हैं। लेकिन उन्हें 11,000 की पर्ची कटवानी पड़ेगी, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है माहौल गर्म होता भी नज़र आ रहा है। और इस वक्त की लाइव तस्वीरें जो आप लोग देख पा रहे हैं ये हाउसिंग बोर्ड से देख पा रहे हैं, जहाँ पर लाइव तस्वीरों के अंदर आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से पशु पकड़ो अभियान लगातार तेज़ होता जा रहा है। और अगर आपके गली मोहल्लों के अंदर से ये पशु पकड़ो अभियान चलाया जा रहा है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अलग अलग जगह के ऊपर ये पशु पकड़ो अभियान चलाया जा रहा है, और जिसके तहत हो सकता है कि पशु जो है वो पकड़े जा सके। और आपको ये देखिए ये दिखाना चाहेंगे अलग अलग जगह जा करके नगर निगम की टीम इन्हें पकड़ रही है, और ये देखिए किस तरीके से इस पशु को गले के अंदर रस्सी डाल करके लोड किया जा रहा है। और ये देखिए एक गाय और भी है यहाँ पर जिसे बांध दिया गया है, ये सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इनको यहाँ बांधा जा रहा है और अगर इनको गौशाला के अंदर लेकर के जाते हैं तो इनका क्या रख रखाव ठीक तरीके से हो पाएगा? ये देखिए सामने की तरफ से ही दो गाय और यहाँ पर भागती हुई आ रही हैं, शायद हो सकता है कि इन्हें भी पकड़ा जा रहा हो, जिसकी वजह से ये अपने आप को बचा करके इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी हो। और ये देखिए एक तरफ जो है नगर निगम की टीम है, एक तरफ जो है पशु भागते हुए आ रहे हैं, और बीचों बीच हम आपको सीधा लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, सीधा आप लोगों के लिए आज हम यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर के दिखा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये पशु हम पर भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है आपको ये
पूरा अभियान दिखाने की वो हम बखूबी यहाँ पर निभा रहे हैं। और ये जो सीढ़ी आप लोग देख सकते हैं, ठीक इन्हीं सीढ़ियों के साथ उन पशुओं को बांधा जाएगा। जो दो और गाय वहाँ पीछे की तरफ अभी दौड़ते हुए आ रही थी, उनके पास ये नगर निगम की टीम रस्सी लेकर के पहुँच चुकी है। और उसके बाद जो है ये पशु कभी यहाँ छिप रहे हैं, कभी वहाँ छिप रहे हैं। तो ये जो नगर निगम की टीम है, इन्होंने प्लानिंग बनाई है कि एक नगर निगम का कर्मचारी इस सड़क से जाएगा, एक नगर निगम का कर्मचारी उस सड़क से जाएगा और उसके बाद इन पशुओं के ऊपर काबू पाया जाएगा। और सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे कैसे जो है इनको पशुओं को यहाँ पर बांध दिया गया है। ये देख लीजिए, लाइव तस्वीरों के अंदर आपको दिखाना चाहेंगे कैसे यहाँ पर बांध दिया गया है और जिस तरीके से इनको बांधा जा रहा है। और हो सकता है इनमें से काफी ऐसे पशु है जिनको नगर निगम गौशाला के अंदर पकड़ करके तो ले जाए, लेकिन उसके बाद इनको कुछ खाने को ना मिले, इनको कुछ पीने को ना मिले, जिस तरीके का हाल पिछली बार हुआ था। लेकिन हो सकता है ये दावे जो है मेयर इलेक्शन को देखते हुए किए जा रहे हो, क्योंकि आज से पहले 5 साल तक जो है वो दिखाई नहीं दिया। और ये देखिए, ये देख लीजिए किस तरीके से जो है ये पशु पकड़ो अभियान इस वक्त तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ये पशु अपने साथ साथ नगर निगम कर्मचारी को भी पीछे भगा करके ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा रिस्क लेकर के हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और आपको बता देते हैं, इतना ज्यादा रिस्क लेकर के हम लोग दिखा रहे थे कि कुछ पशु हमारे ही सामने दौड़ते हुए आ गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है हम लोगों ने अपनी जान बचाई है। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और आपको क्या लगता है कि जो ये नगर निगम का पशु पकड़ो अभियान है, क्या ये सफल हो पाएगा या फिर महीने बाद या फिर 3 महीने बाद जब इलेक्शन हो जाए उसके बाद ये गाय हमें फिर से वैसे ही सड़कों के ऊपर नजर आने वाली है? वो हमें नीचे सीधा कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताते रहिए। साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार।